हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 54। क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स के लिए वर्कशीट है और विषय है विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 11th नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की वर्कशीट से बेटा नया चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे, चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण। एनसीईआरटी का आपका ये चैप्टर 10 है गुरुत्वाकर्षण। आज की इस वर्कशीट में हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। जिज्ञासा दीदी, गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है? सभी बच्चों ने पहले जो है स्टोरी सुनी हुई होगी कि सेब जो है वो नीचे ही क्यों गिरता है, न्यूटन ने इसके बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, तो उसी स्टोरी को हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जानेंगे कि सेब नीचे गिरा तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरा। अब ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं? ज्ञान यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। ठीक है, सो न्यूटन ने यही अनुमान लगाया था कि जब सेब नीचे ही गिर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ क्या कर रही है, खींच रही है। पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, केंद्र की ओर खींचने वाला बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। यानी पृथ्वी हर एक चीज को जो है अपनी तरफ खींचती है, लेकिन वो टकराते भी नहीं है। जैसे कि आप पृथ्वी और चंद्रमा का ही ले लीजिए, पृथ्वी जो है वो चंद्रमा को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से आके टकरा जाए, वो लगातार पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह हैं वो सारे क्या हैं कि एक ऑर्बिट में, एक कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं, और ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण ही संभव हो पाता है, जिसके कारण ये टकराते भी नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए, इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी हर एक वस्तु का अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को जो है क्या करती है, एक दूसरे को बल से आकर्षित करते हैं। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस संसार में प्रत्येक वस्तु या पिंड अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करते हैं जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, बेटा इसको ध्यान से समझिए, प्रत्येक वस्तु, ठीक है, इस संसार की हर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को एक ऐसे बल, यानी एक ऐसा बल है, और वो बल किसके बराबर है, एक ऐसा बल उससे आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान, तो एक वस्तु का द्रव्यमान ये दूसरी वस्तु का द्रव्यमान, उनका गुणनफल, ठीक है, उसके समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी, यानी जो बल लगाया उसने, तो इनके तो क्या हो गया, समानुपाती, और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी d उसका वर्ग और इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। अब आप इसको यहां से समझिए कि ये दो वस्तुएं हैं m1 और m2, इनके बीच की दूरी, ठीक है, सेंटर से, केंद्र से दूरी है, वो क्या दिखाई गई है, डी है। अब एफ क्या है, बल, वस्तुओं पर लगाया गया बल, और यहाँ पर m1 m2 उनका द्रव्यमान, डी उनके बीच की दूरी। सो यहाँ पर अब देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यदि किन्हीं दो वस्तुओं A और B का द्रव्यमान m, कैपिटल M और स्मॉल m है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी d है, तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, वो F होगा। उसके बाद देखिए, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होगा बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल F होगा। द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी समानुपाती हो गया कैपिटल एम और स्मॉल एम के, ठीक है।
हमने कैपिटल और एम स्मॉल एम लिया है या हम एम वन एम टू भी ले सकते हैं। और केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती हो गया, केंद्र के मध्य दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के। अब समीकरण एक और दो को मिलाने से क्या हो गया, एफ जो है वो समानुपाती हो गया एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। अब हम यहाँ पे जो है एक स्थिरांक का प्रयोग करेंगे, एफ इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय डी स्क्वेयर। अब ये जो जी है बेटा ये क्या है, ये अनुपाती स्थिरांक है, यहाँ कैपिटल जी अनुपाती स्थिरांक है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। तो ये जी क्या है, ये सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है जिसका वर्तमान मान्य मान 6.673 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वेयर किलोग्राम स्क्वेयर है। आप यहाँ से जो है देख सकते हो कि जब आप जी का मान निकालेंगे तो यहाँ से डी उस तरफ चला जाएगा, एफ डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम और स्मॉल एम। एफ की यूनिट होती है न्यूटन, डी की क्या होती है मीटर स्क्वेयर हो गई, डिवाइडेड बाय और एम क्या है ये किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वेयर हो गया। तो ये जो है इसकी जी की क्या निकल आई, इसकी जो यूनिट है वो निकल आई, इसकी इकाई जो है वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो जी क्या हो गया, गुरुत्वीय स्थिरांक, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। और इसका जो मान है वो हर एक जगह बराबर रहेगा, इसका मान कभी भी कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, अब हम करेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक परिघटनाओं की व्याख्या करता है, जैसे हमें पृथ्वी से बांधे रखना। बच्चों हम पृथ्वी पर चल पाते हैं तो केवल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो हम नहीं चल सकते। जिस प्रकार चंद्रमा है, आपने देखा है कि चंद्रमा पर जो है उस वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कम होता है, इसलिए हमें अपना भार जो है वहाँ पर कम महसूस होता है। और वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण चीज़ें क्या हैं वो उड़ती दिखाई देती हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए ये बल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति वो भी किसके कारण होती है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। लेकिन ऐसा नहीं है, चंद्रमा भी तो अपना बल लगा रहा है, चंद्रमा का अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वो दोनों आपस में टकराते नहीं हैं। और पृथ्वी जो है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चंद्रमा है वो उसके चारों तरफ गति करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति। अब सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो क्या है, हर एक कक्ष में जो है अपने अपने में घूमते रहते हैं, तो वो भी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा यानी समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना कम होना वो क्या कहलाता है, ज्वार भाटा। उसी के कारण जो है ज्वार भाटा वो होता है। नेक्स्ट है, नदी में जल का बहना वो भी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण है, वर्षा के लिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही, सार्वत्रिक नियम जो है उसके कारण ही संभव हो पाते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पहला क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमने अभी पढ़ा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक आप इसको लिखेंगे। इस संसार में प्रत्येक वस्तु जो है किसी अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा क्वेश्चन नंबर वन का आंसर लिखेंगे, साथ में ये फॉर्मूला भी आप लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न दो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो बेटा ये जो है महत्व आपको दिया गया है यहाँ से लेकर, और ये पॉइंट्स जो है आप लिख लीजिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपके गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम के महत्व में इंक्लूड हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स। ये आपका दो का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न तीन, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। अब सोचिए, गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएंगे, ठीक है।
जो पृथ्वी है, चंद्रमा जो है वो एक सीधी रेखा में चला जाएगा, वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर नहीं लगाएगा क्योंकि बल ही नहीं होगा। ओके, उसके अलावा जमीन पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होगी, सभी चीज़ें इधर उधर भाग रही होंगी। ठीक है, कोई भी चीज़ जो है वो जमीन पर रखी नहीं जा सकती, हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, पानी रुक जाएगा, यानी ओवरऑल निष्कर्ष क्या है, पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा इसका आंसर आप भी खुद भी लिख सकते हो, और एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हम क्या लिखेंगे। सो बेटा आप यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं हो तो पृथ्वी का अंत हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण दूसरी वस्तुओं को खींचती है और इन और सभी वस्तुओं को स्थिर रखता है। जितनी बड़ी एक वस्तु होगी उतना ही उसका गुरुत्वाकर्षण पुल उस वस्तु पर लगेगा। पृथ्वी पर इसका प्रभाव रहता है जिससे हम जमीन पर चल पाते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से काफ़ी बड़ा है और उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही काफ़ी सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना इंसान और अन्य वस्तुएं वजनहीन हो जाती हैं। तो ये बेटा आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और इसका मान कितना है। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा, यहाँ जी अनुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं और जिसका वर्तमान मान्य मान 6.673 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर किलोग्राम स्क्वेयर है। तो बेटा यहाँ से आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्कशीट है बेटा, और आगे इस चैप्टर में आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड नॉलेज है, वो आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।